हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सखी रे। मैं हूं आप सबकी सखी और मेरा नाम है रे। आज हम एक मेकअप लुक क्रिएट करेंगे और स्क्रीन को मैंने कैसे प्रिपेयर किया है मेकअप से पहले, उसके लिए मैंने वीडियो बनाया है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया है प्राइमर, और प्राइमर लिया है मैंने ब्लू हेवन का। तो इसे मैं लगा लेती हूँ अपने फेस पे और उसके बाद अपने फिंगर्स की मदद से अच्छी तरह से अपने फेस में इसे मिक्स कर लूँगी, और इसके लगाने के बाद कुछ देर के लिए छोड़ देंगे जब तक ये अपने स्किन में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब ना हो जाए। इसके बाद शुगर का ये स्टिक फाउंडेशन लिया है मैंने और इसका नंबर है 30, और इसके बाद मैंने पूरे फेस पे इसे लगा दिया और एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से मैं इसे अच्छी तरह से अपने पूरे फेस में ब्लेंड आउट कर लूँगी। फेस के साथ साथ हमें अपने नेक पार्ट को और एयर पार्ट को भी थोड़ा सा ब्यूटी ब्लेंडर से लगा लेना है। इसके बाद मैं आईब्रो करने वाली हूँ। जो आईब्रो पेंसिल मैंने आज यूज़ किया है वो है फेसेस की तरफ से और इसका कलर है ब्राउन। तो आपने देख ही लिया, स्पूली है एक तरफ और दूसरी तरफ है ब्राउ पेंसिल। तो सबसे पहले स्पूली की मदद से मैंने ऊपर की तरफ आईब्रो को कॉम्ब कर लिया था और उसके बाद लोअर लाइन को ड्रॉ किया, उसके बाद वो ऊपर से नीचे की तरफ कॉम्ब किया और ऊपर के लाइन को ड्रॉ कर लिया। अब सारे प्रोडक्ट को मिक्स करने के लिए स्पूली का इस्तेमाल करी हूँ। सेम मैं दूसरे आईज़ में भी कर लूँगी। अब मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। ये जो कंसीलर मैं आज यूज़ कर रही हूँ ये है एले गर्ल प्रो का कंसीलर। तो इसे मैं आईब्रो को तो शेप दूँगी ही, यानी कि लोअर लाइन और अपर लाइन आईब्रो में तो लगाऊँगी ही, साथ ही साथ अपने लिड के स्पेस में भी अच्छी तरह से लगा लूँगी। और इसके बाद एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर ले लूँगी और उससे अच्छी तरह से सीमलेसली अपने पूरे आईज़ में इसे ब्लेंड आउट कर लूँगी ताकि कोई भी हार्श लाइन ना रहे और पूरा प्रोडक्ट अच्छी तरह से ब्लेंड आउट हो जाए। वो सेम कंसीलर ले रही हूँ एले गर्ल प्रो का, और इसके बाद मैं अंडर आई एरिया में और अपने आईज़ के आउटर वी के कॉर्नर में लगा रही हूँ। दोनों आईज़ में मैं सेम कर लूँगी और इसी के साथ साथ नोज़ के ब्रिज में कर लूँगी, लिप के ऊपर, फोरहेड में, और यहाँ पे ठीक इस जगह पे मैं थोड़ा थोड़ा करके लगा लूँगी। जितना भी प्रोडक्ट लगाया है उसे डैम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से अच्छी तरह से सीमलेसली हमें ब्लेंड आउट कर लेना है। तो सारे प्रोडक्ट को ब्लेंड आउट कर लेती हूँ, उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब मैं ले रही हूँ शुगर का ये पाउडर और इसके साथ हम बेकिंग करेंगे। तो बेकिंग बहुत ज़्यादा नहीं करने वाली हूँ क्योंकि आज का मेकअप लाउड नहीं होगा। तो जहाँ जहाँ पे भी मैंने कंसीलर का अप्लाई किया था उन सारे जगह पे मैं अच्छी तरह से ये पाउडर की मदद से प्रोडक्ट को सेट कर लूँगी। अब मैं ले रही हूँ डैजलर का कॉन्टोर स्टिक और इसकी मदद से आज मैं कॉन्टोरिंग करने वाली हूँ। तो कॉन्टोर के लिए मैं अपने फेस को एक शेप देने वाली हूँ, एंड एज यू कैन सी कि मेरा फेस थोड़ा गोल शेप का है। तो इसे मैं थोड़ा ओवल शेप का करने के लिए मैं साइड से अपने फेस को थोड़ा सा कट कर रही हूँ, और साथ ही साथ अपने नोज़ के एरिया में भी मैं अच्छी तरह से कॉन्टोरिंग कर लूँगी ताकि ये शार्प दिखे। अब एक छोटे से ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से मैं नोज़ का जो कॉन्टोरिंग की थी उसे ब्लेंड आउट कर रही हूँ, और इसके बाद बड़े ब्रश की मदद से जो भी फेस पे हमने कॉन्टोरिंग की थी उसे ब्लेंड आउट कर लूँगी। जहाँ पे भी मैंने कॉन्टोरिंग की है वो सारे जगह पर मैं अच्छी तरह से ब्रश की मदद से सीमलेसली कॉन्टोरिंग कर लूँगी। फेसेस का ब्रॉन्जर पैलेट मैंने ले लिया है और इसके बाद मैं ब्रॉन्जिंग करने वाली हूँ। तो जहाँ जहाँ पे मैंने कॉन्टोरिंग की थी ठीक उसके ऊपर ही मुझे ब्रॉन्जिंग करनी है। तो आप देख सकते हैं जिस जिस जगह पे मैंने कॉन्टोरिंग की थी ठीक उसी के ऊपर मैंने थोड़ा थोड़ा करके ब्रॉन्जिंग कर ली है।
अब मैं ले लेती हूँ ब्लश, सेम पैलेट यूज़ किया है और इसकी मदद से मैं ब्लश को अप्लाई कर लूँगी। अच्छी तरह से ब्लश को अप्लाई करने के बाद इसे सीमलेसली स्मज आउट कर लेंगे। नेक्स्ट हम आईज़ की तरफ जाएंगे, तो ये जो पैलेट मैंने लिया है ये किको मिलानो की तरफ से है और इसका शेड नंबर है 4। ये एक ब्राउन शेड है और इसे मैं बहुत यूज़ करती हूँ क्रीज लाइन ड्रॉ करने के लिए, स्पेशली मैं इसे बहुत यूज़ कर रही हूँ। एक फ्लफी ब्रश ले लिया है और क्रीज लाइन में मैंने प्रोडक्ट को लगा लिया था, तो इसे मैं अच्छी तरह से ब्लेंड आउट कर ले रही हूँ। और आउटर वी के कॉर्नर में भी मैं सेम आई शेडो लगाऊँगी किको मिलाने का, ताकि थोड़ा सा डेप्थ आए। और इसके बाद मैं शिवाना हाइलाइटर पैलेट ले रही हूँ और यहाँ से जो सेकंड वाला शेड है इसको ले रही हूँ और अपने लिड एरिया में इसे लगाऊंगी। फेसेस का आई जेल काजल मैंने यहाँ पे लिया है और इस काजल को मैं बहुत थोड़ा थोड़ा करके अपने लिड एरिया में लगा रही हूँ। बिल्कुल अपने लैश लाइन के करीब करीब से इसे लगाती जाऊँगी। ये बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही अच्छी तरह से स्प्रेड हो जाता है आँखों में, तो मैंने अपने लोअर लैश लाइन में भी लगा लिया है। और मैं ले रही हूँ अब फेसेस का ब्लू जो काजल है वो, और ब्लू काजल को मैं अच्छी तरह से अपने लिड एरिया और लोअर लिड एरिया में अच्छी तरह से स्प्रेड आउट कर ली हूँ। और इसे मैं अपने जो काजल लगाई थी अपर लिड में उसी के ऊपर ऊपर से लगाती जा रही हूँ। इसके बाद हम ले लेंगे किको मिलानो का सेम पैलेट और इसे स्मज आउट कर देंगे। जो भी हमने यहाँ पे काजल लगाया था सारे काजल को हमें बहुत अच्छी तरह से स्मज आउट कर लेना है। इसके बाद हम ले लेंगे सेम फेसेस के पैलेट से हाइलाइटर, और हाइलाइटर को मैं अपने आईज़ के इनर कॉर्नर में लगा रही हूँ और अपने ब्राउ बोन में भी लगा ले रही हूँ। इससे आँखें काफ़ी खुली खुली लगेंगी। साथ ही साथ मैं अपने नोज़ के ब्रिज में, अपर लिप में और चिक एरिया में और अपने फेस के हाइस्ट जो भी बोन है वहाँ पे इसे अप्लाई कर रही हूँ और हाथों की मदद से इसे मैं स्मज आउट कर रही हूँ। इसके बाद किको मिलानो का सेम पैलेट लेंगे और अपर लैश को भी हम स्मज आउट कर देंगे सेम कलर की मदद से। और इसके बाद सेम हम हाइलाइटर लेंगे और हाइलाइटर को अपने लिड के मिड एरिया में मैं उंगली की मदद से प्लेस कर रही हूँ। मेबलिन का ये वाइट आई काजल मुझे बहुत पसंद है और मैं अभी इसे बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। इससे इंस्टेंटली आईज़ काफ़ी ओपन लगने लगती हैं। अब लगा लेंगे हम मास्कारा, तो मास्कारा मैंने लिया है मेबलिन के तरफ से। ये एक वाटरप्रूफ मास्कारा है, तो मास्कारा को अपने लैश लाइन में मैं बहुत अच्छी तरह से, लैशेस में बहुत अच्छी तरह से मैं कोट कर लूँगी। आज का जो लुक है वो बिल्कुल सिंपल है, तो मैं कोई फॉल्स लैशेस नहीं लगाने वाली, तो मास्कारा को मैंने बहुत अच्छी तरह से लगा लिया है। इसके बाद मैं लिप लाइनर ले रही हूँ। ये एक लोकल ब्रांड का लिप लाइनर है और इससे मैं अपने लिप के लाइन को अच्छी तरह से ड्रॉ कर ले रही हूँ। अब मैं ले रही हूँ शुगर का मिनी लिपस्टिक। ये मैंने 4 का सेट लिया था, तो ये वाला शेड आज मैंने यूज़ किया है। और ये जो शेड मैंने यूज़ किया है इसका नंबर है 60, तो इसी के साथ मैं अपने पूरे लिप को इसके साथ कोट आउट कर लूँगी। तो ये लिपस्टिक लगाने से पहले दोस्तों अपने लिप को हमेशा मॉइस्चराइज कर लें, क्योंकि ये ड्राई आउट कर देता है लिप्स को। इसके बाद मैं डैम ब्यूटी ब्लेंडर लूँगी, सेम डैम ब्यूटी ब्लेंडर, और अपने पूरे फेस में एक बार अच्छी तरह से लगा लूँगी। इसके बाद मैं फेस को सेट कर रही हूँ और सेट करने के लिए मैं स्विस ब्यूटी का फेस सेटिंग स्प्रे ले रही हूँ और ये है मेरा। आई जस्ट होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो एक वीडियो को
लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मेरे कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।